सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने जब ये खुलासा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के नापाक इरादे, भारतीय जनता पार्टी की नापाक कोशिशें, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकतंत्र और संविधान की हत्या किए जाने की कोशिश ऑपरेशन लोटस के तहत दिल्ली में भी हो रही है, तो हमसे एक सवाल पूछा जाता था, इसके प्रमाण क्या है, इसके प्रमाण क्या है, इसके सबूत क्या है। और यह कहा जाता था कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चल रहा है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं आपके पास। और उस वक्त भी हमने कहा था कि समय आने पर प्रमाण हम लोग देंगे। और आज तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही थी, 100-100 करोड़ रुपए, 50-50 करोड़ रुपए, 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर देकर उस तेलंगाना राज्य में सरकार गिराने की कोशिश की जा रही थी, जहां पर कि बीजेपी के मात्र 3 विधायक हैं, 3 विधायक, टीआरएस के 104 विधायक हैं, बीजेपी के मात्र 3 विधायक हैं। और लोकतंत्र की हत्या करने की इनकी सोच और साजिश देखिए कि जिस राज्य में मात्र 3 विधायक हैं उस तेलंगाना की भी सरकार गिराने की ये कोशिश कर रहे हैं। और कितना दाम लगा रहे हैं, विधायकों की बोली लगा रहे हैं, 100 करोड़, 50 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़। दिल्ली में हमसे कहते थे, अरे भाई आपकी 62 है, ऐसे थोड़ी आपको कोई सरकार आपकी गिरा देगा। तो खुद जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक तोड़ने वाला दलाल है, वो दलाल कह रहा है कि हमने 43 विधायकों को तोड़ने की दिल्ली के अंदर पूरी तैयारी कर ली है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी। ये जो बीजेपी का दलाल है, ये बातचीत में कह रहा है कि दिल्ली में 43 विधायक हमारे संपर्क में हैं और हम उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यही प्रयोग जो दिल्ली में हम कर रहे हैं, यही तेलंगाना में कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश में कोई राजनीतिक दल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक किडनैपिंग गैंग है जो विधायकों का अपहरण करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके एक नहीं 9 सरकारों को हिंदुस्तान में गिरा चुके हैं। उत्तराखंड की सरकार गिराई, अरुणाचल की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, मेघालय में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई, गोवा में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई और विधायकों की खरीद फरोख्त की, महाराष्ट्र में पूरी सरकार को गिरा दिया। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी किडनैपिंग गैंग चला रही है, अपहरणकर्ताओं का गिरोह चला रही है और जगह जगह विधायकों को खरीदो, विधायकों को तोड़ो, विधायकों की बोली लगाओ, लोकतंत्र की हत्या करो, संविधान को तार तार करो और सरकारों को गिराओ। फिर तो चुनाव बंद कर देना चाहिए इस देश में। 1000 करोड़ रुपए जो अनाप शनाप तरीके से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से बीजेपी कमाती है, उनके नेता और देश के गृह मंत्री
अमित शाह का भी नाम इस कन्वर्सेशन में लिया गया है, उनके नेता और संगठन के सबसे प्रमुख व्यक्ति बीएल संतोष की ओर भी इशारा किया गया है इस पूरी बातचीत में। अगर इस देश का गृह मंत्री विधायकों की खरीद फरोख्त का किडनैपिंग गैंग चला रहा है तो इससे ज्यादा खतरनाक बात कोई नहीं हो सकती। अगर इस देश का गृह मंत्री सरकारों को गिराने, लोकतंत्र की हत्या करने और संविधान को तार तार करने का धंधा कर रहा है तो इससे ज्यादा खतरनाक बात कोई नहीं हो सकती। सबसे पहले गृह मंत्री की गिरफ्तारी करके पूछताछ होनी चाहिए कि विधायकों की खरीद फरोख्त और 43 विधायकों को दिल्ली में खरीदने के लिए कम से कम अगर 25 करोड़ रुपए भी मान लो तो 1075 करोड़ रुपए अमित शाह ने कहां रखा है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस बातचीत में ऑडियो को सुनेंगे, ये बीजेपी का दलाल ये साफ तौर पे कह रहा है कि ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सारी जांच एजेंसियां जो हैं वो उनकी जेब में है और सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ये हो रहा है। आप तेलंगाना में सरकार गिरा रहे हैं जहां पे 104 विधायक टीआरएस के, 3 विधायक बीजेपी के, वो सरकार गिरा रहे हैं। 9 राज्यों की सरकार आप गिरा चुके पूरे देश में। तो इसलिए आज जो लोग ये सवाल पूछते थे मीडिया के लोग, कहां है सबूत, कहां है प्रमाण, ये जो 3 भाजपा के दलाल पकड़े गए हैं और उनका एक एक नाम करके मैं परिचय कराऊंगा, ये तीनों जो पकड़े गए हैं इनके माध्यम से खुलासा हुआ कि दरअसल दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस चला रहे थे लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने सही समय पर आकर इसका विरोध किया, हमारे विधायकों ने सही समय पर आकर इसका विरोध किया। पंजाब में ऑपरेशन लोटस चला रहे थे, वहां की सरकार ने और वहां के विधायकों ने सामने आकर इसका विरोध किया, आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया, जिसके कारण से इनका ऑपरेशन लोटस दिल्ली और पंजाब में विफल हो गया और अब तेलंगाना में वही ऑपरेशन लोटस, वही दलाली का धंधा, वही विधायकों की किडनैपिंग और खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी अपने गृह मंत्री के नेतृत्व में कर रही है। और इसलिए मैं ये मांग करता हूं कि जब अब भाजपा कोई राजनीतिक दल बचा ही नहीं, जब भाजपा 9 सरकारों को गिराने वाला एक किडनैपिंग गैंग बन गया है, जब भाजपा विधायकों को खरीद फरोख्त करके, तोड़फोड़ करके लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वाला एक समूह बन गया है, तो भारत के चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी की मान्यता तत्काल रद्द करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक दल कहे जाने का अधिकार नहीं है। और देश के गृह मंत्री को, अमित शाह जी को गिरफ्तार करके पूछताछ होनी चाहिए कि तेलंगाना के ऑपरेशन में 1075 करोड़ रुपए दिल्ली का जो 43 विधायकों को खरीदने का है, तेलंगाना में जो ऑपरेशन हुआ है, वहां जो ऑपरेशन लोटस पकड़ा गया है, इसके सबके पीछे उनकी क्या साजिश, क्या रणनीति, किस किस प्रकार के गुनाह वो कर रहे थे। ये 3 नाम है, ये तीनों नाम मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। ये जो 3 लोग पकड़े गए हैं इनका परिचय आपसे करा रहा हूं और इनकी फोटो बीजेपी के किन किन नेताओं के साथ है वो भी मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। इसमें जो लोग पकड़े गए हैं एक एक करके मैं आपका परिचय इनसे कराता हूं। ये नंदू है और ये भी एक मीडिएटर है, दलाल है, और एक ये स्वामी जी हैं बीच में जो त्रिपति से जुड़े हुए हैं, और ये तीसरा व्यक्ति जो है रामचंद्र भारती है जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुनाया।
ये तीन दलाल हैं जो तेलंगाना में पकड़े गए हैं। केसीआर जी की सरकार ने इन तीनों दलालों को पकड़ा है जो वहां ऑपरेशन लोटस चला रहे थे, और इसमें से रामचंद्र भारती, जिसका ऑडियो क्लिप मैंने अभी आपको सुनाया, जो ये कह रहा है कि 43 विधायक दिल्ली में उसने खरीदने का पूरा प्लान बनाया था, इस बात को जो ये कह रहा है रामचंद्र भारती, इसकी तस्वीर किसके साथ है, कैसे लोगों से इसके संपर्क है, वो भी अब आप देखिए। दत्तात्रेय जी को आप जानते होंगे, बहुत बड़े नेता हैं, संघ के, बीजेपी से इनके क्या रिश्ते हैं छिपे नहीं है आपसे। ये रामचंद्र भारती, ये स्वामी जी, और ये तीनों तस्वीरें आप लोग देखते रहिए। ये स्वामी जी देश के रक्षा मंत्री के साथ, और ये तीसरा दलाल नंदू, ये नंदू दलाल है किशन रेड्डी, कैबिनेट मंत्री है उनके साथ। तो बीजेपी जहां जीत नहीं पाती वहां अपना किडनैपिंग गैंग सक्रिय कर देती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मैंने बताया बहुत सारे उदाहरण। ईडी, सीबीआई, पुलिस सब इनके जेब में रहती है। तो इस देश का लोकतंत्र बचेगा कैसे, इस देश का संविधान बचेगा कैसे, सरकारें बचेंगी कैसे, जब देश की कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के कंधे पे है, देश का गृहमंत्री, जब उसके नेतृत्व में यह खरीद फरोख्त का धंधा चल रहा है पूरे देश के अंदर, तो आप मुझे बताइए कि कैसे सरकारें चलेंगी, कैसे सरकारें बचेंगी। और यही कारण है कि दिल्ली में हमारे नेताओं पे तमाम फर्जी मुकदमे, ईडी के, सीबीआई के, तमाम दिल्ली पुलिस के मुकदमे किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सरकार गिराने और दबाव बनाने के लिए। मैं मांग करता हूं चुनाव आयोग से इस किडनैपिंग गैंग की मान्यता रद्द की जाए। भारतीय जनता पार्टी को दल के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, वो दल नहीं है, वो सरकारों को गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त करने वाला किडनैपिंग गैंग है। देश के गृह मंत्री को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जाए कि ये तेलंगाना का ऑपरेशन लोटस, दिल्ली का ऑपरेशन लोटस और पंजाब का ऑपरेशन लोटस चलाने में उनकी क्या भूमिका है, जो इस ऑडियो क्लिप में सामने आ रही है। और इसके साथ साथ ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनके भाजपा के किन किन नेताओं से रिश्ते हैं, बीएल संतोष हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इसने नाम लिया है और हमारे विधायकों को खरीदने की चेष्टा जिन लोगों ने की है, साजिश जिन लोगों ने की है, उनका क्या रोल है, वो सामने आना चाहिए।